साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां योग गुरु बाबा रामदेव 3 दिवसीय कासगंज दौरे पर है। इस दौरान बाबा रामदेव ने योग शिविर में लोगों को अपने योग के माध्यम से निरोग रहने की जीवन शैली के बारे में बताया है। बता दें कि योग गुरु से योगासन और जीवन निरोग बनाए रखने की कला सीखने के लिए हजारों की संख्या में लोग शिविर में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। शिविर में योग गुरु लोगों को रोग मुक्त करने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों और जड़ी बूटियों को जीवन में अपनाने पर भी जोर दे रहे हैं। कुंभ नगरी यानी प्रयागराज में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की नवीन कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ है। इस दौरान संगठन द्वारा संगठन के विस्तार समीक्षा समेत कई विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता द्वारा पूर्व के दिनों में आगरा, कानपुर और प्रयागराज में हुई आग लगने की घटना पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार को व्यापारियों के हित के लिए व्यापारी राहत कोष का गठन कर 2000 करोड़ का राहत पैकेज दिया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुताबिक कानपुर में हुई आग लगने की घटना से अरबों रुपए का व्यापारियों का नुकसान हुआ है और आने वाले दिनों में ईद पर्व को लेकर व्यापारियों ने तैयारियां तक कर रखी थी। बात को हम लोग बिल्कुल मानते हैं और इस बात को लेकर के हम लोग पूरे ताकत के साथ अपने प्रदेश के नेतृत्व को और राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर के ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम करेंगे कि अगर हमारा व्यापारी सरकार बना सकता है तो सरकार गिरा भी सकता है, तो अगर हमारी हिस्सेदारी है तो वो हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। खबर हरदोई से है, जहां शाहबाद इलाके में लकड़ी के कारखाने में भयंकर आग लग गई है। कारखाने में आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इस बीच व्यापारी समेत आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल पुलिस अब मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक की गला काट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हत्या देर रात की गई, वहीं सुबह जब लोग घर पहुंचे तब युवक का शव मिला। पुलिस को आशंका है कि रात को शराब पीने के दौरान विवाद हुआ होगा, जिसके बाद इस युवक की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर में एक बार फिर समाजवादी पार्टी से लालजी यादव को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूर्व राज्यसभा सांसद विधायक सहित सैकड़ों की संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बताते चले कि लालजी यादव को 5वीं बार जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में पूर्व सांसद आलोक तिवारी, विधायक समेत सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष लालजी यादव का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया है। हम समाजवादी पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को संगठित करके बढ़िया कमेटी बना के बूथ सम्मेलन कराकर और संघर्ष के माध्यम से जनता में भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों का विरोध करके जनता को समझाकर भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त करेंगे। भारत में मैट्रिमोनियल जैसी साइट पर फेक प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। आपको बता दें कि मामला फरीदाबाद का है, जहां पुलिस ने इस मामले में 2 नाइजीरियन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वह पुलिस ने इनके कब्जे से 22 फोन, 1 लैपटॉप, सिम कार्ड्स और तकरीबन 20,000 की नकदी बरामद की है। वह इस मामले में एक पीड़िता ने FIR दर्ज कराई, जिसके बाद उन्होंने इसकी जाँच शुरू की। पुलिस की टीम इस मामले की पीड़ित महिलाओं से भी संपर्क साध रही है, जिससे कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। वही कि मैं इंडिया वापस आना चाहता हूँ, मैं फॉरेन में रह रहा हूँ, और जब ये इंडिया आते थे तो ये अलग अलग नंबरों से फ़ोन करवाते थे कि मुझे कस्टम ने रोक लिया, बोल था आप इतने पैसे दो तभी ये मेरे को छोड़ेंगे, इस टाइप के फ्रॉड करते थे। इनकी 30-31 साल है। देखिए वो वेरी करता है, बट बेसिकली महिलाएं उनको ये टारगेट करते थे मैट्रिमोनियल साइट्स पे। खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का आधुनिकीकरण कर नई तकनीक सुविधाओं की स्थापना की गई है। पुलिस अधीक्षक ने इसका शुभारंभ भी किया है। बताते चले कि पहले चार्ली और डेल्टा नाम के 2 कंट्रोल हुआ करते थे, जिनको आज एक ही कक्ष में शिफ्ट किया गया है। वह पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से पुलिस की कार्यप्रणाली से सहयोग मिल सकेगा।
बिजनौर पुलिस को और पीपल फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिबल बनाने हेतु इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। आज से शुभारंभ इसका हुआ है। बेसिकली इसमें क्योंकि बिजनौर जनपद काफ़ी क्षेत्रफल बड़ा है तो यहाँ पे चार्ली और डेल्टा दो कंट्रोल हुआ करते थे, उनको इंटीग्रेट किया गया, एक ही कमरे में उनको बिठाया गया। साथ ही साथ इसका इंटीग्रेशन यूपी 112 ROIP से किया गया। तो अगर कोई भी सूचना यूपी 112 पे कोई भी इवेंट आता है जिसमें तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है तो उसमें क्योंकि एक ही कमरे में सभी स्थापित हैं डेल्टा और चार्ली, तुरंत उसमें पुलिस की सहायता मिल जाएगी। नंबर एक। नंबर दो, हमने इसमें सभी जो जनपद की पुलिस की गाड़ियाँ हैं, पुलिस व्हीकल, उन सभी गाड़ियों पर हम लोगों ने डैशबोर्ड कैमरे लगाए हैं। साथ ही साथ उन सभी गाड़ियों पर GPS भी लगाया गया है। उसकी मॉनिटरिंग पीछे मेरे पीछे लगे LEDs के द्वारा इस कंट्रोल रूम के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ उसमें जो डैशबोर्ड कैमरे लगे। आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने 25,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने गैंगस्टर को दल्ले से गिरफ्तार किया है। ये आरोपी कमला नगर बैंक डकैती में शामिल था। इस पूरे मामले की जानकारी ACP ने दी है। आगरा कमिश्नरेट पुलिस लगातार गैंगस्टरों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कल थाना मंडोला की पुलिस ने एक गैंगस्टर के अपवांछित अभियुक्त देवेंद्र सिंह यादव को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इस पर 25,000 रुपए का इनाम था। इसका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। कुल 7 मुकदमे इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं और इसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए देश का लोकप्रिय चैनल Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।